आज राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश जनपद शाखा मुरादाबाद के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज स्टेशन रोड मुरादाबाद में अत्यंत भव्य रूप से शताब्दी समारोह शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद मुरादाबाद के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया। शताब्दी समारोह को 3 सत्रों में आयोजित किया गया था। प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि माननीय विधान परिषद सदस्य बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रथम सत्र के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विशेष कुमार गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण आयोग लखनऊ एवं मुरादाबाद मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी मौजूद रहे। प्रथम सत्र में डॉक्टर विशेष कुमार गुप्ता के द्वारा अपने उद्बोधन में शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा गया कि शिक्षक केवल शिक्षक ही नहीं होता बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत का भी काम करता है, इसलिए शिक्षकों का उत्तरदायित्व समाज के लिए और अधिक बढ़ जाता है। श्री विशेष कुमार गुप्ता के द्वारा 100 वर्षों के शैक्षिक सफर का भी आकलन किया गया और शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार पर बल दिया गया। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने अपने उद्बोधन में सभी शिक्षकों को अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उपाध्यता पर विस्तृत प्रकाश डाला। शैक्षिक संघ के पदाधिकारियों के द्वारा मंच से राजकीय शिक्षकों की समस्या पर उपस्थित अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया गया। यह आयोजन दो आयाम बताए, एक तो रिटायर्ड टीचर का प्रिंसिपल का अभिनंदन करना है और दूसरा शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी के विषय में कार्यक्रम को यहाँ आयोजित करना है। जो सेवानिवृत्त हुए हैं, मैं भी सेवानिवृत्त हूँ, आपकी ही कैटेगरी में, लेकिन रिटायर में बस आई की जगह पर वाई लग गया है, मेरे भी और आपके भी, माने टायर का रिटायर हो गया है, आई की जगह वाई हो गया है, अर्थात हम थके हुए नहीं हैं, एक नई जिंदगी में हमने प्रवेश किया है। शिक्षक के नाते, प्रधानाचार्य के नाते, जो हमारे पास विपिन जी बैठे मेरे साथी हैं, पीएचडी साथी किया दोनों ने, विपिन विष्णु जी ने और हमने, गुरु भी एक ही है दोनों के पीएचडी, तो हम केवल अपने दायित्व से नियमावली के आधार पर सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन सारे अनुभव हमारे पास जो है उन अनुभवों को हमें शेयर करना है शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षक बंधु एवं बहनों के बीच में। और एक अनुभव और है कि जिसने भी वीआरएस दिया उसकी उम्र घटी है, और जिसने रिटायरमेंट की लाइफ को एंजॉय किया है, क्यों नहीं जी, उसकी उम्र बढ़ी है। इसलिए जो ये सेवानिवृत्ति है, इस समय पर आप स्वतंत्र है, बंधनों से मुक्त है, लेकिन एक बंधन और भी है कि समाज का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। डॉक्टर श्वेता पूठिया प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज मानपुर मुजफ्फरपुर मुरादाबाद के द्वारा शिक्षकों को अन्यत्र विभागीय कार्यों में लगाए जाने से विद्यालय में शैक्षिक कार्य प्रभावित होने की बात उठाई। इसी क्रम में प्रीतम सिंह के द्वारा शिक्षकों की समस्या के निस्तारण में विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के समाप्त होने पर जोर दिया। शिक्षकों तथा संघ के पदाधिकारियों द्वारा उठाई गई समस्या पर विधान परिषद सदस्य हरि सिंह ढिल्लो के द्वारा मंच से ये आश्वासन दिया गया कि संबंधित अधिकारियों से कहकर सभी शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। इसके साथ ही उनके द्वारा देश के युवाओं को सही दिशा देने के लिए शिक्षकों का आह्वान किया गया तथा कहा गया कि चुनौतियों से लड़कर ही देश और समाज को मजबूत बनाया जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक शिक्षा में चुनौतियों का सामना कर एक उत्कृष्ट व्यवस्था बनाने पर जोर दिया तथा इसके लिए वर्तमान सरकार को कृतसंकल्पित बताया। वित्तीय सत्र में मुख्य वक्ता डॉक्टर श्वेता पूठिया के द्वारा राजकीय शिक्षकों की समस्याओं तथा उनके समाधान पर बल दिया गया। आए हुए मुख्य अतिथियों के द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को अंगवस्त्र तथा अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। विगत विधानसभा चुनाव में स्वीप कार्यक्रम में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्मानित डॉक्टर अनुज अग्रवाल, सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज मानपुर मुजफ्फरपुर मुरादाबाद, तथा साहित्य में विशेष योगदान देने के लिए डॉक्टर ऋचा पाठक प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज रामपुर घोघर को भी सम्मानित किया गया।
शताब्दी समारोह के अंतिम सत्र में प्रसिद्ध शिक्षाविद हरवंश दीक्षित के द्वारा शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा गया कि प्राथमिक माध्यमिक तथा डिग्री के सभी शिक्षक बच्चों के सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं, वो उनकी समस्याओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा आज के शैक्षिक परिवेश में नकारात्मकता से बच्चों को दूर करने के प्रयास करने पर जोर दिया गया। अंतिम सत्र में संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मंडल के द्वारा सभा को संबोधित करते हुए शिक्षकों को उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आश्वस्त किया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्षता कर रहे प्रांतीय अध्यक्ष सुनील कुमार ने शिक्षकों की समस्याओं को समयबद्ध निस्तारित करने के लिए संघ को कटिबद्ध बताया तथा संघ के द्वारा शिक्षकों के हितार्थ किए जाने वाली कार्य योजना पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष अचल त्यागी के द्वारा आए हुए अतिथियों का आभार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अनुज अग्रवाल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला मंत्री विमी रस्तोगी, प्रीतम सिंह, मंडलीय मंत्री मणिक प्रतेश, अनीता सिंह, विकास कांत गुप्ता, गीतांजलि दक्ष, मंजू गौतम, घनेन्द्र शर्मा, डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। ये राजकीय शिक्षक संघ के शताब्दी वर्ष मना रहे हैं हम, 100 साल हो चुके हैं और इसमें हम विभिन्न जनपदों में शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे जनपद में भी हमने ऑर्गेनाइज किया है इसको। इसमें हम जो सेवानिवृत्त हमारे शिक्षक हुए हैं 2018 से, उनका सम्मान हम नहीं कर पाए थे तो उनको भी आमंत्रित किया गया है। हमारा जो शिक्षक संघ का नारा है, शिक्षण के प्रति समर्पण और अन्याय के प्रति संघर्ष, उसको मतलब हमें कहीं पर भी ऐसा लगता है कि हमारे प्रति अन्याय हो रहा है तो हम उसके प्रति संघर्ष में जुटे हुए हैं। हम अपने शिक्षकों की समस्याओं को उठाते रहते हैं लगातार।